बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने के लिए जनता को अपने वादों की चाशनी में डुबोया था। लोगों से बिजली पानी देने और गरीबी मिटाने के बड़े बड़े दावे किए थे। सरकार को सत्ता में आए 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। ना बिजली मिली, ना गरीबी मिटी। और तो और, जनता दरबार में शिकायत लेकर पहुंचे फरियादियों की भी योगी ने एक ना सुनी। उत्तर प्रदेश की बदहाली की तस्वीरें तो योगी की पोल खोल ही रही थी कि अब आरटीआई की रिपोर्ट ने भी योगी के दावों को खोखला साबित किया है। आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि योगी सरकार ने जिन वादों के पुल जनता के सामने बांधे थे, उनमें से ज्यादातर को पूरा करने में वो असफल साबित हुई है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी न सिर्फ लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने में नाकाम हुए हैं, बल्कि जनता दरबार में की गई शिकायतों का भी निपटारा नहीं किया जा रहा है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट के जरिए मुख्यमंत्री कार्यालय में दायर की गई आरटीआई के जवाब के आधार पर यह दावा किया गया है। दरअसल मई महीने में मुख्यमंत्री कार्यालय में एक आरटीआई दायर कर जनता दरबारों के संबंध में सूचना मांगी गई थी, जिसके जवाब में विभाग ने तो सूचना भेजी है, उसी से सीएम योगी के जनता दरबार जैसी महत्वाकांक्षी योजना पर शासन का रवैया उजागर हुआ है। जवाब में बताया गया है कि शिकायतें जनता दरबार में की गई हैं, उनके समाधान में अभी तक किसी को दंडित नहीं किया गया है। जनता दरबारों पर राजकोष से खर्च की गई धनराशि की जानकारी न होने का चौंकाने वाला खुलासा भी इस जवाब से हुआ है। आरटीआई कार्यकर्ता ने दावा किया है कि अगर मुख्यमंत्री जनहित के इस मुद्दे पर गंभीरता पूर्वक कार्य करने में विफल रहते हैं तो इस मामले को जनहित याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय पहुँचाया जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।